अनुपमा के आज के एपिसोड में परितोष काव्य से कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तुम्हारे बारे में सबको सच बता दूंगा। काव्य परितोष से कहती है जाओ जाके अभी सबको सच बता दो, मेरा टाइम बचेगा, मुझे हर किसी को बार बार ये एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि मेरी और विनराज के बीच में क्या चल रहा है। काव्य परितोष का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम किसी को नहीं बता पाओगे, जैसे निधि भी किसी को नहीं बता पाए, उसे सब सच पता है लेकिन आज तक मेरे और विनराज के बारे में नहीं बता पाए। काव्य परितोष से कहती है कभी तुमने अनुपमा विनराज के दरमियान प्यार देखा है? काव्य कहती है कि विनराज अनुपमा के साथ सिर्फ अपने बच्चों की वजह से रह रहा है, उसकी खुशी सिर्फ मेरे साथ ही रहने में है और कल जब हमारी शादी हो जाएगी तो वो हमेशा खुश रहेगा। काव्य परितोष से कहती है कि वो जो कुछ मर्जी कर ले वो ये शादी नहीं रुकवा सकता और वो उसे शादी पर इनवाइट भी करती है। इतने में काव्य परितोष को उसके कमरे से जाने के लिए कहती है और उस पर चिल्लाती है अभी मेरे कमरे से चले जाओ। परितोष के जाने के बाद काव्य विनराज को कॉल करती है, उसे बताती है कि परितोष आया था और उसे हमारे बारे में सब पता है और वो मुझे वार्न करके गया है कि वो ये शादी रुकवा देगा। ये सुनकर विनराज शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि परितोष को इसके बारे में कैसे पता चला। काव्य बताती है कि नंदिनी ने उसे बता दिया। वो उसे पूछता है कि नंदिनी को कैसे पता चला। वो बताती है कि नंदिनी हमारी मैरिज रजिस्ट्रेशन स्लिप देख ली थी तो मुझे उसे सच बताना पड़ा। ये सुनकर विनराज गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं इसे हैंडल कर लेता। वो बताती है कि अब मैंने तुम्हें बता दिया है, अब तुम परितोष को हैंडल कर दो, नंदिनी अनुपमा को कुछ नहीं बताएगी। विनराज काव्य पर गुस्सा करता है, उसे कहता है कि अगर तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली की खुशी पर कुछ आंच आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर काव्य टेंशन में आ जाती है, सोचती है कि इस वजह से उसकी शादी में कोई मसला ना आ जाए। दूसरी तरफ लीला विनराज को फैमिली फोटो के लिए बुलाती है। संजय विनराज से कहता है कि परितोष तुम्हारे सच के बारे में जानता है। संजय उसे विनराज को कहता है कि मैंने तुम्हें पहले वार्न किया था कि सच कभी छुपता नहीं है, सच हमेशा बाहर आ ही जाता है। विनराज संजय से कहता है कि वो परितोष को हैंडल कर लेगा। इतने में अनुपमा विनराज के पास आती है और वो विनराज से कहती है कि हमारी ये शादी हमें और घर वालों को कभी नहीं भूलेगी। इतने में दूसरी तरफ द्वीका अनुपमा के रूम में जाती है, वो उसके हनीमून को लेकर उससे मजाक करती है। इतने में परितोष विनराज के रूम में आता है और उससे उसके काव्य के साथ अफेयर के बारे में पूछता है और कहता है कि मैंने आपकी मैरिज रजिस्ट्रेशन स्लिप भी देखी और कहता है काव्य ने भी ये मान लिया कि आपका और उसका अफेयर चल रहा है। विनराज कहता है कि आधा सच है। विनराज उसे बताता है कि मेरी और अनुपमा की शादी अरेंज मैरिज हुई थी, जब मेरे पिता ने अनुपमा को मेरे लिए पसंद किया तो मैंने कुछ सवाल किए बगैर अनुपमा से शादी कर ली और मैंने अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, मैंने ये शादी 25 साल तक निभाई है और तुम लोगों को बड़ा किया है। परितोष विनराज से कहता है कि यह आपके अफेयर को जस्टिफाई नहीं करता। वो कहता है कि आप और माँ में बहुत डिफरेंस थे लेकिन माँ ने कभी कोई अफेयर नहीं किया। विनराज कहता है कि वो जस्टिफाई नहीं कर रहा बल्कि वो कन्फेस कर रहा है कि वो इतने टाइम से गिल्ट में जी रहा है लेकिन उसने काव्य से काफ़ी टाइम पहले ब्रेकअप कर लिया था। परितोष इमोशनल हो जाता है और कहता है कि हस्बैंड और वाइफ में फाइट होती रहती हैं, विनराज ने जो किया है वो गलती नहीं क्राइम है। और ये विनराज परितोष को इमोशनली ब्लैकमेल करता है और कहता है कि काव्य सिर्फ उसकी अच्छी दोस्त है और जब काव्य ने उसकी 25 एनिवर्सरी के बारे में सुना वो उसे ब्लैकमेल करने लगी कि अगर विनराज ने काव्य के साथ शादी नहीं की तो वो उसके अफेयर के बारे में अनुपमा को बता देगा। वो उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो उस गिल के साथ नहीं रह सकता लेकिन वो अनुपमा को सच भी नहीं बता सकता क्योंकि सच बताने से अनुपमा का दिल टूट जाएगा। वो काव्य से शादी मजबूरी में कर रहा है क्योंकि अगर उसने शादी ना की तो काव्य सब घर वालों को सच बता देगी। ये सुनकर परितोष भी इमोशनल हो जाता है और विनराज को गले से लगा लेता है और वो कहता है कि वो काव्य को संभाल लेगा, आप अपनी और माँ की शादी पर ध्यान दें। विनराज दिल में सोचता है और कहता है कि परितोष मुझे माफ़ करना, मुझे अपना अफेयर बचाने के लिए तुमसे झूठ बोलना पड़ा। इतने में अनुपमा विनराज के लिए चाय लेकर आती है लेकिन गेट के पास आकर वो फिसल जाती है और चाय गिर जाती है। अनुपमा की आवाज़ सुनकर विनराज शॉक हो जाता है और वो उससे डर लगता है कि कहीं अनुपमा ने उसकी और परितोष की बातें तो नहीं सुन ली। परितोष और विनराज बाहर जाते हैं और देखते हैं कि अनुपमा गिरी हुई होती है। परितोष और विनराज दोनों उसको उठाते हैं और अनुपमा कहती है कि मैं आपके लिए चाय लाई थी और ये चाय सारी गिर गई, मैं अपनी आपके लिए दूसरी चाय बना के लाती हूँ। परितोष अनुपमा से कहता है कि मैं अभी आपके साथ आता हूँ। उनके जाने के बाद विनराज काव्य कॉल करता है, उसे बताता है कि मैंने परितोष को संभाल लिया। ये सुनकर काव्य बहुत खुश होती है और अपनी शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड होती है। वो विनराज को कहती है कि आप कल सुबह मंदिर टाइम पर पहुँच जाना। इतने में विनराज कमरे से बाहर जाता है, लीला उसे देखती है और उसे कहती है कि जब तक तुम्हारी शादी पूरी नहीं होती तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। ये सुनकर विराज टेंशन में आ जाता है क्योंकि कल उसने सुबह
काव्या के साथ शादी करने के लिए मंदिर जाना है। इतने में विनराज अनुपमा के पास आता है, उसे बताता है कि मेरी बॉस की कॉल आई थी, मेरी कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे सुबह सवेरे जाना होगा। ये सुनकर अनुपमा कहती है कल हमारी शादी है, आप ऑफिस कैसे जा सकते हैं। विनराज अनुपमा से कहता है कि वो जल्दी सुबह सवेरे आ जाएगा और अनुपमा से रिक्वेस्ट करता है कि वो लीला को इस बारे में ना बताए, क्योंकि लीला ने उसे मना किया है कि जब तक शादी पूरी नहीं होती वो घर से बाहर नहीं जाएगा। इतने में विनराज अनुपमा को गले लगा लेता है और विनराज सोचता है कि अनुपमा दुनिया की वो पहली वाइफ होगी, अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करने में मदद करे। अनुपमा का अपकम एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकम एपिसोड में काव्या मंदिर पहुंच जाती है और विनराज का वेट कर रही होती है। दूसरी तरफ विनराज मंदिर के लिए घर से निकलने लगता है कि विनराज की घड़ी अनुपमा के दुपट्टे में अटक जाती है। विनराज अपनी घड़ी अनुपमा के दुपट्टे से आराम से निकालता है और वो मंदिर के लिए निकलता है। अपकमिंग एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अनुपमा की फ्रेंड दीविका ने विनराज को वार्न किया है कि अगर उसने अनुपमा के साथ बुरा बिहेव किया तो वो उसको छोड़ेगी नहीं, इसलिए आजकल विनराज अनुपमा के साथ प्यार करने का नाटक कर रहा है। दूसरी तरफ परितोष, अभी तो विनराज ने परितोष को इमोशनली ब्लैकमेल करके उसे चुप करा दिया, क्योंकि परितोष कभी भी लगता है कि काव्या उसके फादर विनराज के पीछे पड़ी हुई है और उनके साथ वो जबरदस्ती शादी करना चाहती है। और परितोष ने विनराज से कहा था कि आप अपनी अनुपमा के साथ शादी की फिक्र करें, वो काव्या को संभाल लेगा। अब देखना ये होगा कि परितोष क्या करेगा, क्या वो समर को इसके बारे में बताएगा और दोनों भाई मिलकर इस शादी को रोकने की कोशिश करेंगे। जिस तरह के हम समर को जानते हैं कि वो बहुत इमोशनल है और वो अनुपमा से बहुत प्यार करता है, अब देखना ये होगा कि जब समर को इसके बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेगा और क्या वो सब घर वालों को बताएगा और या वो भी परितोष की तरह चुप रहेगा। और दूसरी तरफ लीला ने विनराज को घर से बाहर जाने से मना किया है, लेकिन फिर भी विनराज घर से बाहर चला गया है अनुपमा को झूठ बोल के, मीटिंग का बहाना बना के। अगर लीला को पता चल गया तो वो कैसे रिएक्ट करेगी और अनुपमा ये कैसे छुपाएगी कि विनराज घर पर नहीं है। आपका मैं एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या विनराज और काव्या शादी कर पाएंगे।